सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। संपादक अनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रकें गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28-29 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये पहला स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ, ये है नारद जी और व्यास जी का संवाद। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दीप कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु विष्णु जी को ये जगत गुरु कह रहे हैं। एमएम देवताओं के भी देवता हैं, यानी सब भगवानों के भगवान हैं। ये विचार दे रहा नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी आप विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि शंकर की सृष्टि संसार की सृष्टि रचने करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ, तुम में ब्रह्मा रजगुण है, ये भी सिद्ध हो रहा है, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, विष्णु जी कह रहे हैं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों यानी राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ क्या स्पष्ट करते हैं, यहाँ कलम तोड़ दी अपने दातम ज्ञान की विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। दुर्गा का, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है उस जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई देवता नहीं, दूसरा कोई भगवान नहीं। अपुण आत्माओं, ये अंत आ गया श्री विष्णु जी के स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्मिक ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से बढ़कर
दुर्गा से अतिरिक्त मैं किसी भगवान से परिचित नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, और मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। और फिर क्या बताते हैं कि मैं कभी तो घोर तप करता हूँ, फिर राक्षसों को मारता हूँ जो जनता को दुखी करते। अब काल ने इनकी किसी दुर्गति कर रखी है, अपने पुत्रों की भी, विष्णु जी की। पहले तो बैटरी चार्ज करते हैं, तप करते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, फिर राक्षसों के साथ इनको बिड़ाता है, लड़ाता है, राक्षसों को मारते हैं, और फिर इनके बैड अकाउंट में वो सारे पाप लिख दिए जाते हैं और इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों के तीनों अन्य योनियों में चले जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये तो ज्ञान था श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी का, कि विष्णु जी को सर्वेश्वर कह रहे हैं, सब देवताओं के और भगवानों के भगवान बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं। अब वो जगत गुरु विष्णु जी कह रहा है, मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता किसी भगवान को नहीं जानता। अब दुर्गा क्या बताती है अपना आध्यात्मिक ज्ञान, अब इसी पुस्तक के 562 पृष्ठ पर है, ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। वह महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, और जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों के निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, और वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब इसका आध्यात्मिक ज्ञान नॉलेज देखो, ब्रह्म को ये अक्षर ब्रह्म कह रही है। आगे फिर क्या बोलती है, वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है, और वह सबके मन है, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीव आत्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा है। अब यहां तो अक्षर ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म पाएगी। अब ओम नाम है, जीव आत्मा जाप करे, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य है, ये ओम जाप है। यहां देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती है, मेरी पूजा भी नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करनी है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य करो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वह ब्रह्मलोक में रहता है। अपना आत्मा दुर्गा ने अपना फाइनल कर दिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति को नहीं, और विष्णु जी ने फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये काल है, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है भूत की तरह। ये कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजन देहम
सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह पर्याति तो जंदे हम जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो उच्चतम गति है, श्रेष्ठ परम गति है, उसको प्राप्त होता। अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, पहले भी जन्म हुए आगे भी होंगे। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमेश्वर है, सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तना अक्षर पुरुष है, डार फिर सर पुरुष है, और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा और पात रूप संसार। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत बता देगा, इसके सारे पार्ट्स ऑफ द ट्री, वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना कौन प्रभु है, इसकी डार कौन प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, और शाखा कौन है, पत्ते कौन है, जड़ कौन प्रभु है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत से पूछो उस परमात्म तत्व के बारे में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के उस अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और ज्ञान दिया हुआ है, 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की ब्रह्म ने मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो इसमें स्पष्ट क्या कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस इस उलझे हुए ज्ञान को असंख शस्त्र यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छितवा माने काट कर इसको समझ कर, फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर फिर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की पूजा करो, उसकी पूजा का विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, संकेत किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का, उसके पाने का ओम तत्सत इस केवल इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, इसकी साधना भी 3 प्रकार से ही होती है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, अग्रम मग्रम नहीं। अब ओम तो इस सीधा ब्रह्म का सर्वपुरुष का, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, पुरुष हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष, इनसे न्यारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परम अक्षर ब्रह्म है, यह लोक तरम आविश्य विवर्ति अवेश्वर है, जो संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ रूप है सब जो मूल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु आपने
सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्पर्म के बारे में कहा है।